फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरी किचन में बनेगी रागी की रोटी। रागी, जिसको फिंगर मिलेट भी कहते हैं और नाचनी भी कहा जाता है, ये रागी जो एक मोटा अनाज है, ये कम्प्लीटली ग्लूटेन फ्री है। इसमें वीट का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। रागी की रोटी सिंपल गेहूं की रोटी से अलग बनती है और इसलिए सबको टफ लगती है। आज मैं आपको इसका ईजी वे बताऊँगी कि कैसे इसे बनाना है। रागी की रोटी बनाने के लिए मैंने 1 कप रागी का आटा लिया है। 1 कप रागी का आटा, तो हमारा हम एक पैन लेंगे, पैन को गैस पर रखेंगे और उसमें 1 कप ही पानी डालेंगे। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करा और थोड़ा सा घी। जब इसमें बॉयल आ जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे रागी फ्लार और इसको वुडन स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स करना है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मिक्स करना। मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए कवर करके इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 2 or 3 मिनट्स के बाद इसको हम बड़ी परात में खाली करेंगे। इसको कम्प्लीटली ठंडा नहीं करना, हल्का हल्का ये गर्म होना चाहिए और इसको हम अच्छे से नीड करेंगे। इतना नीड करना है कि ये परात में हमारे बिल्कुल भी ना चिपके। नीड करने के बाद इसमें हम हाथों से हाथ में थोड़ा ऑयल लगा के इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। नीड करने में अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हो। बनाएंगे चपाती। चपाती के लिए मैंने एक छोटा पेड़ा ले लिया है। अब इस पेड़े को मैं थोड़ा सा फिर से नीड करूँगी और रोल कर लूँगी। और मैंने ये वीट फ्लार का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो रागी फ्लार का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी हेल्प से हम गोल गोल रोटी को बेल लेंगे और रोटी हमारी इजीली बेल जाएगी। इस तरह आटा गूंदने से जो रोटी है हमारी गेहूं की रोटी की तरह इजीली बेल जाती है और इसमें कोई क्रैक्स भी नहीं आते। अब गरम तवे पर इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। कॉटन नैपकिन की हेल्प से इसे हम अच्छे से घुमा घुमा के फुला भी लेंगे। अगर इसको आप घी लगा के सेकना चाहते हैं तो आप इसको घी लगा के परांठे की तरह भी सेक सकते हैं। रागी जो है विटामिन डी का सोर्स है, गुड कार्ब्स हैं, इसमें कैल्शियम है, अमाइनो एसिड्स हैं और आयरन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। इन सब को एब्जॉर्ब करने के लिए रागी के साथ हमें हेल्दी फैट की नीड होती है, इसलिए इसमें घी हो गया, कोकोनट हो गया, हेल्दी फैट ज़रूर रागी के साथ ऐड करना है। रागी की रोटी को सेकने में टाइम लगता है, इसको प्यार प्यार से दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। इसमें फाइबर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। मैंने इसी तरह अपनी सारी रोटियां सेक ली। कुछ मैंने गैस पे सेकी, कुछ मैंने तवे के ऊपर ही सेक ली। मुझे तवे के ऊपर सेकी हुई रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। रागी फ्लार, रागी सीड्स ईजिली मार्केट से मिल जाते हैं। इनसे बहुत सारे डिशेज़ बनते हैं। जो वेट लॉस जर्नी पे उनके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। डायबिटीज़ का, PCOD का इशू है, उन्हें अपने डाइट में, चाहे आप डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, आप इसे अपनी किसी भी मील में ऐड कर सकते हो। रागी रोटी किड्स के लिए भी ये गुड सोर्स है कैल्शियम का। और ये इतनी सॉफ्ट बनी थी, ये देखो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये इजीली टूट रही थी, बहुत सॉफ्ट थी, खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। मैंने टिंडे और काले चने बनाए थे तो मैंने इसके साथ अपने बच्चों को सर्व करी। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करना। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। बाय।